टाइम यू लोग आज मेरी दीदी आपको एक बहुत डरावनी स्टोरी सुनाएगी। हाँ उस बार मैं भी सुनाऊंगी बहुत डरावनी स्टोरी। हाय गाइस, आज मैं आपको अपनी एक भूत वाली स्टोरी सुनाऊंगी। वो रियल एक्सपीरियंस है, आप ही बताना कि वो सच है कि झूठ। मैंने जिस जिस को भी सुनाई है उसको झूठी लगी है, तो सुनाते हैं मैडम को। हाँ, तो एक रात को क्या हुआ, मैं अपने भाई के साथ सो रहे थे, सिंगल बेड से दो, तो एक में सो रही थी, एक में जय सो रहा था। तो मैं जो को बाथरूम जाना था तो मैं बाथरूम गई। फिर मैं बाथरूम से जब वापस आई तो जो मेरी बेड के सामने वाली दीवार थी उसमें मुझे ना खून सा कुछ धब्बा सा दिखा, पर मेरे को बहुत नींद आई थी तो मैंने ना सोना ही पसंद किया, सोचा कि मैं बाद में देख लूँगी सुबह उठ के कि धब्बा है कि खून का धब्बा दिखा था बेसिकली मुझे। फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में सुबह उठ के देख लूँगी धब्बा है कि नहीं। और जब मैंने सुबह उठ के देखा वो धब्बा मिट चुका था, और मैंने ऐसे दीवार में ऐसे ऐसे करके देखा वो था ही नहीं। अब मैं मम्मी पापा को सबको बताऊँ, मम्मी पापा बोले कि तुमने तो गलत देख लिया, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, पर गाइस मैं सच में देखा था। गाइस अभी मेरी बारी, मैं आपको बहुत डराऊंगी, आपको सुनूंगी। ओके ओके, सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, वो गाँव में थी, पर वो बहुत गंदी थी। उसके पास इतना सारा पैसा था कि वो एक दिन उसके पेट के सामने एक बाबा आ गया। बाबा बैठ के अपना भोजन कर रहा था, तो उसने सोचा कि वो उसका कमाई चोरी करने के लिए आया है, तो फिर उसने उसको डंडा मार के हटा दिया। फिर उसके बाद जब वो रात को सोने के लिए गई, उसके पास ही एक सिर में चार मटके रख के एक चुड़ैल आई, ऐसे ऐसे नाच रही थी और एक मटका गिरा के चुड़ैल। और गाय की सच्ची कहानी मैं बोल रही हूँ। हाँ, फिर उसके बाद जो बूढ़ी औरत थी उसको हर रोज झंडा लेके बाहर देखना पड़ता था कि वो एक एक मटका लाती और नीचे गिराती सबसे टॉप, जिसको आग जाता। और फिर उसके बाद जो बूढ़ी औरत थी उसका जीना हराम होता था। एक दिन वो दिन में बाबा के पास गई और बोला कि पता नहीं मैंने आपको बहुत बहुत डॉक्टर के साथ डराया है, तो फिर पता नहीं कोई मैंने घर के पास आके ना चार मटके लेके अपने सिर से एक मटका नाच नाच के गिरा देती है, फिर उसके साथ चली जाती है। फिर बाबा ने बताया कि कुछ नहीं, बस वो वहाँ पर तुम्हारे घर में थोड़ा सा भूत का छाया है, इसलिए वो तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज आ रही। तो गाइस उसका अंजाम ये सिचुएशन की है कि कभी लाजी नहीं खाओ। ओके बाय। गाइस मैं आपको आज एक फेयर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, और स्टोरी सुनाने वाला गुनगुन अभी तो मुझ पर बहुत छोटी थी। और एक दिन की बात है, जब हम गांव जा रहे थे तब बहुत रात हो गई थी, और तब बिजली भी कड़क रही थी, बादल भी गरज रहे थे और बारिश भी हो रही थी। और तब हम अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे गांव में। फिर हमारे जब एक सामने एक आदमी आया, फिर हमारे ड्राइवर ने जब उस पर लाइट लगाई तो हमने देख कर हैरान हो गए कि उसका सिर ही नहीं था, हेल्डर्स ऑलरेडी थी वो। फिर हम डर के मारे उधर से साइड लेकर हम भाग गए। फिर अगले दिन हमने गांव वालों से पूछा कि ऐसा ये हुआ था असली में, तो उन्होंने कहा ना हाँ हर समय वो आता रहता है, और लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता था। मैं समझ जा गई थी भैया, कितनी देर आ जाऊँगा, हम गाँव में किसी आने के बाद डर लग रहा है। अरे मत, तुम तो बहुत छोटी थी तब, तो मैं तो कोई डर कर मानो में पता ही नहीं था, तुम तो वैसे की वैसे ही बैठी थी तुम। जब हम देखते हैं भूती मूवी या स्टोरी तो हमारे दिमाग में भूत बैठ जाता है, इससे जब हम ऐसी रात को कहीं जाते हैं तो हमें पेड़ के साये दिखते हैं, लेकिन वो असली भूत नहीं होता, हमारे दिमाग में वो चल रहा होता है इसलिए दिखता है, क्योंकि भगवान ही सबसे बड़ा है, इससे तुम डरना भी नहीं। हाय गाइस, हम आशा करते हैं कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और हम अगले व्लॉग भी कल डालेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक करके बेल
हूँ।